अलसाई सुबह जब आंखें खोलती है तो मेरे जीवित होने भर के एहसास ही मुझे गुदगुदाने लगते हैं। मेरे आंगन का एक एक कण बेसब्री से इंतजार करता है कि कब वो सुनहरा पल आए और भागते अटखेलियां करते नन्हे नन्हे कदम खिलखिलाने के लिए और सीखने के लिए मेरी गोद में निर्भीक होकर सिमट जाएं। बालकों का मेरे आंगन में आना, पुष्पों की तरह विकसित होना, पक्षियों की तरह चहचहाना और शिक्षा रूपी शंख की मधुर आवाज के साथ एक छोटे से सभ्य समाज के रूप में अपनेपन का एहसास ही मुझ में जीवन के भाव भर देता है। हाँ, मैं विद्यालय हूँ मात्र, मेरा भवन चार दीवारी अथवा मैदान ही मुझे परिभाषित नहीं करता है, अपितु मेरे अंदर का जीवन अर्थात मेरे बालक एवं उनका विकास ही मुझे सही मायने में सार्थक बनाता है। जब हम 2016 में आए थे, मैं और हमारे साथी श्री सुरेश कुमार वर्मा जी, तब स्कूल की हालत बड़ी दयनीय थी। चारों ओर आप ये स्कूल देख रहे हैं, इसमें अवांछनीय घास थी, कहीं भी बच्चों को खेलने या पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं था। हमारा मन बड़ा दुखी हुआ और ऐसे वातावरण में हमारे लिए पढ़ाना नामुमकिन था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखा भी ऐसी हालत में हमारे से पढ़ाया नहीं जाएगा, तो हम सबसे पहले गांव का सहयोग लिया। जो हमारे अड़ोस पड़ोस के सदस्य थे, हम उनसे मिले और सहयोग की कामना की, उनसे प्रार्थना की। उन्होंने भी हमारे कार्य को देख के और 15-20 दिन के बाद उन्होंने काफ़ी ये देखा भी स्कूल के जो अध्यापक हैं वो बहुत मेहनती हैं, तो हमने थोड़ा पढ़ाना अच्छे तरीके से शुरू किया। उसके बाद में उन्होंने हमारे सहयोग का आश्वासन दिया। उसके बाद हम ग्राम पंचायत सरपंच साहब से मिले और हमने पीने के पानी की व्यवस्था की, एक प्रार्थना की, क्योंकि बच्चे मंदिर में पानी पी के आते थे, यहाँ पे पीने के लिए कोई पानी नहीं था और जो छोटे बच्चे होते थे वो सामने मंदिर है, मंदिर से घर चले जाते थे। तो हमारे लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा एक अहम इशू था कि कहीं कोई बच्चा, छोटा बच्चा घर जाने के बजाय कहीं दूर न चला जाए। सर, मैं ज़्यादा न कहते हुए बताना चाहता हूँ कि बिना समाज के, बिना विभाग के और बिना अध्यापक के और बिना बच्चे के जो है कोई भी कार्य करना बहुत बड़ा मुश्किल है। और हम वास्तव में उसमें बच्चा भी शामिल है, अध्यापक भी शामिल है, हमारा समाज का भी पूर्ण सहयोग है और हमारा जो शिक्षा विभाग है उसका भी हमें समय समय पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैंने 2017 में इस स्कूल में ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पर सुरेश कुमार शाहवान और सुरेश कुमार वर्मा, यहाँ दो टीचर थे। जब मैं आई तो मैंने यहाँ देखा कि दोनों टीचर बहुत ही मेहनती हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही लक्की मानती हूँ कि मुझे इस स्कूल में पहली ज्वाइनिंग मिली। तो मैंने इनके कार्य को देखते हुए भी मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैंने भी वो ही करने की। लाला जी ने लड्डू खाए, किसने खाए, किसने खाए, लाला जी ने लड्डू खाए, किसने खाए, किसने खाए, तीन खाए। और इंग्लिश में क्या कहते हैं लाल को? आज ये इस विद्यालय को आप जो देख रहे हैं, ये पहले ऐसे नहीं था। वर्षों से इसको रंग रोगन पेंटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं हुई थी और यहाँ पढ़ने का बिल्कुल निरस वातावरण था। और उसी आज जो ये हमने किया है, हमारी टीम के प्रयास, समाज का प्रयास और विभाग द्वारा समय समय पर आने वाली विभिन्न योजनाओं जैसे सक्षम निपुण NEP और आजकल FLN, उसके द्वारा हमें विभाग का पूरा सहयोग मिला। मैं तुम्हें सूझे बूझे आपने मैच पर की सैर कराता हूँ। ये क्या है? ये केंद्र बिंदु है, इसका केंद्र बिंदु है, मतलब यहाँ से क्या लगाई हुई, इसका मतलब ये किस प्रकार की आकृति, इस आकृति के बारे में समझाओ। सर, ये वर की आकृति है। वर की आकृति, चार भुजाएं बराबर होती है। अच्छा, वर की आकृति की पहचान होती है। यस सर, उसके शीश होते हैं। मुझे कैंडोस चाहिए। कितना रेट है इसका? इस पे है तो 95, पर इसकी छूट दे रखी है इसलिए 69 का है। रुपये का तो एक 60 तो ये हो गए आपके। कैसे हुए 60? एक ही रुपया दिया आपने?
अच्छा ऐसे 60 रुपए ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और ये देखो ऐसी घूमती है ना ये ऐसे घूमती है। कितने घंटे में चक्कर लगाती है? 24 घंटे में। और इसे क्या बनेंगे हमारे दिन और रात? एक वर्किंग मॉडल तैयार किया है और इसके अंदर है पृथ्वी की कितनी परतें हैं? चार ठीक है ना। इसके अंदर पहली है जैसे हमारी कौन सी क्रस्ट ठीक है, दूसरी कौन सी है मेंटल, तीसरी कौन सी है आउटर कोर और चौथी कौन सी बेटा इनर कोर। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है अच्छा। सर उस पर ठंड है तो सर उस पर बर्फ जम जाएगी अच्छा। और सर जब गर्मी आएगी सर वैसे उसकी बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा। और सर ये हमारे यहाँ पर पानी है और सर जब पानी यहाँ पर आएगा तो सर वो ये है टरबाइन। ये क्या बनाया हुआ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बांध है और सर जो बांध इकट्ठा हो जाएगा सर फिर वो थोड़ा सा पानी टरबाइन पर पड़ेगा। अच्छा ये इसको क्या कहोगे आप लोग? टरबाइन। अच्छा ये टरबाइन है, ये काम करती है ऐसे चलती है फिर ये सर। अच्छा और अच्छा जब चलेगी तो फिर क्या होगा? ये सर इससे बिजली पैदा होगी। अच्छा इससे तो बिजली पैदा हो गई, फिर ये बिजली का हम क्या करेंगे? सर ये खम्भे हैं तो सर इन तारों से सर जैसे हमारे यहाँ पर है तो सर वैसे ये गांव शहरों में चले जाएगा। अच्छा तो अपने जो बिजली आ रही है तो वो ऐसे ही आती है? यस सर। अच्छा फिर ये भी कुछ बनाया हुआ है इसके बारे में ये बताओ। कह रहे हैं सर जो और पानी बचता है सर उसको सरकार नहरों में छोड़ देती है और सर वहाँ से वो खेतों में जाता है। सर खेतों से वहाँ पर सिंचाई होती है, सर सिंचाई से हमें खाना मिलता है। हमारी धरती के नीचे एक पिघला हुआ पदार्थ है सर, वो कभी कभी सर धरती के बाहर आने की कोशिश करता है तो सर जब सर कभी कभी तो वो निकल नहीं पाता और सर वो अंदर ही रह जाता है और सर कभी कभी वो बाहर निकल जाता है तो सर पहाड़ बन जाते हैं। पहाड़ बन जाते हैं और वो अगर नहीं निकलेगा तो धरती को क्या करेगा वो? सर भूकंप। भूकंप का मतलब क्या होता है? सर धरती का कांपना। यह हमारा लैंग्वेज पार्क है, हम इसके माध्यम से कई सारी गतिविधि करके बातचीत को बढ़ावा दे सकते हैं। तुम जाओ धै पर जाओ, मेंढक पढ़ के जाना शाबाश शाबाश ताली बजाते रहो भाई ठीक है। बताओ ठीक है। पहले दुनिया का सारा काम मुझसे ही होता था पर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हमारे स्कूल के बच्चों ने विभिन्न सत्रों पर राज्य स्तर पर पहाड़े प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और हमारे स्कूल के बच्चों ने जिला स्तर पर और विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्थान ग्रहण किया है प्राप्त किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे स्टाफ सदस्य भी विभिन्न मंचों पर सम्मानित होते रहते हैं, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर इनको सम्मानित किया जा चुका है और आगे भविष्य में हमारा मुख्य लक्ष्य बच्चों का नामांकन बढ़ाना और बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों के अफलन के उद्देश्यों को प्राप्त करना। ढाणी सोपरा स्कूल का के स्टाफ में 3 मेंबर हैं, 2 टीचर हैं, 1 मैडम है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और गांव हमेशा इनकी मेहनत के साथ है, हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी गांव ग्राम पंचायत या गांव के किसी भी आदमी से सहयोग की जो इन्होंने ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा हम देने के लिए तैयार रहेंगे। हम इनका जो योगदान है उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं।